इन दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ड्रीम जॉब जीके पर। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि भारत की दिल्ली से पहले राजधानी कौन सी थी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा दिल्ली, एंड ऑप्शन बी हो जाएगा कोलकाता, एंड ऑप्शन सी हो जाएगा मुंबई, एंड ऑप्शन डी हो जाएगा मद्रास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोलकाता। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर कि जीव विज्ञान के जनक कौन हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा अरस्तु, एंड ऑप्शन बी हो जाएगा चाणक्य, एंड ऑप्शन सी हो जाएगा न्यूटन, एंड ऑप्शन डी हो जाएगा मेंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरस्तु। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि भारत की मीठे पानी की झील कौन सी है। तो ऑप्शन ए आपकी स्क्रीन पर हो जाएगा चिल्का झील, एंड ऑप्शन बी आपकी स्क्रीन पर हो जाएगा कैस्पियन सागर झील, एंड ऑप्शन सी आपकी स्क्रीन पर हो जाएगा बुलर झील, एंड ऑप्शन डी आपकी स्क्रीन पर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बुलर झील। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि मुर्गी का तापमान कितना होता है। तो ऑप्शन ए आपकी स्क्रीन पर हो जाएगा 100 डिग्री फारेनहाइट, एंड ऑप्शन बी आपकी स्क्रीन पर हो जाएगा 107 डिग्री फारेनहाइट, एंड ऑप्शन सी आपकी स्क्रीन पर हो जाएगा 102 डिग्री फारेनहाइट, एंड ऑप्शन डी हो जाएगा 98.6 डिग्री फारेनहाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 107 डिग्री फारेनहाइट। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि भारत की राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा गुलाब जामुन, एंड ऑप्शन बी हो जाएगा बर्फी, एंड ऑप्शन सी हो जाएगा लड्डू, एंड ऑप्शन डी हो जाएगा जलेबी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जलेबी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो ऑप्शन ए आपके स्क्रीन पर हो जाएगा प्रशांत महासागर, एंड ऑप्शन बी आपके स्क्रीन पर हो जाएगा हिंद महासागर, एंड ऑप्शन सी आपके स्क्रीन पर हो जाएगा अंटार्कटिक महासागर, एंड ऑप्शन डी आपके स्क्रीन पर हो जाएगा अटलांटिक महासागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रशांत महासागर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी। ऑप्शन ए हो जाएगा 1947, एंड ऑप्शन बी हो जाएगा 1948, एंड ऑप्शन सी हो जाएगा 1950, एंड ऑप्शन डी हो जाएगा 1931। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1948। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो ऑप्शन ए आपकी स्क्रीन पर हो जाएगा मेंडल ने, एंड ऑप्शन बी आपकी स्क्रीन पर हो जाएगा न्यूटन ने, एंड ऑप्शन सी आपकी स्क्रीन पर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन ने, एंड ऑप्शन डी आपकी स्क्रीन पर हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रॉबर्ट हुक ने। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, एंड ऑप्शन बी हो जाएगा एशिया महाद्वीप, एंड ऑप्शन सी हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप, एंड ऑप्शन डी हो जाएगा यूरोप महाद्वीप। तो हेलो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर कि भारत आज़ाद कब हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा 1948 में, एंड ऑप्शन बी हो जाएगा 1947 में, एंड ऑप्शन सी हो जाएगा 1942 में, एंड ऑप्शन डी हो जाएगा 1949 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1947 में। हेलो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।